आज हम बनाएंगे यखनी पुलाव, जिसके लिए हमने इंग्रेडिएंट लिए हैं जो ये हैं। 1 किलो हमने गोश्त लिया है कटड़े का, इसकी हम यखनी बनाएंगे। और इसमें हम डालेंगे यखनी के लिए 3 प्याज लिए हैं हमने, इनको छील लिया है, 2 लहसुन, छोटी इलायची, लौंग, जायफल, जावित्री, ज़ीरा, सौंफ, धनिया, बेलीव, ये हम यखनी में डालेंगे। 1 किलो चावल लिए हैं जिनको हमने भिगो लिया है 2-3 घंटे। 1 प्याली दही, 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ, नमक हम हंसवे जायका इस्तेमाल करेंगे, 4-5 हरी मिर्च और 4 टमाटर जो कि हमने काट लिए हैं, 4 प्याज हमने काट लिए हैं। हम बनाना शुरू करते हैं। यखनी को उबाल लेंगे, इसमें हम गोश्त डालेंगे और पानी डालेंगे, 1 कटोरी डाल देंगे। और ये सभी मसाले डालेंगे। एक छोटा चम्मच नमक डालेंगे और इसको हम उबाल लेंगे गोश्त के गलने तक, और कवर कर देंगे हम इसको। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। इसको कवर कर देंगे, अब गोश्त को गला लेंगे अच्छी तरह से। इसमें हम 2-3 सीटी लगा लेंगे क्योंकि ये कटड़े का गोश्त है, हम ज़्यादा भी नहीं गलाएंगे। अब हम इतने प्याज़ों को फ्राई कर लेते हैं, हमारी यखनी उबल रही है। अब इसमें 3 बड़े चम्मच तेल कर लिए हैं और थोड़ा इसको गर्म होने देते हैं, फिर हम इसमें प्याज डालेंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें प्याज डालेंगे। इनको हम ब्राउन होने तक के फ्राई कर लेंगे। ये अब यखनी उबल चुकी है, इसको गोश्त को और यखनी को अलग कर लेंगे अब हम। ये हमने यखनी और गोश्त को अलग कर लिया है। प्याज फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसमें गोश्त डालेंगे और इसको भून लेंगे। इसको अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे, अभी 5 मिनट के लिए हम इसको भून लेते हैं। भून लिया, अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और गरम मसाला डालेंगे और इसको भून लेंगे अच्छी तरह से। इसमें हम 1/2 कप दूध डालेंगे और इसको चला लेंगे। यह अदरक लहसुन का पेस्ट हमारा अच्छी तरह से भून जाएगा इसमें। अब इसमें हम हरी मिर्च और टमाटर डालेंगे और दही डालेंगे और अच्छी तरह से चला लेंगे। इसको लगातार चलाएंगे, नहीं तो दही फट जाएगी।
गोश्त भुन चुका है, हम इसमें यखनी डालेंगे। एक उबाल आने देंगे इसमें, फिर हम चावल डालेंगे। उबाल आने देंगे अब हम इसमें, यखनी में उबाल आ चुका है, अब हम इसमें चावल डालेंगे। इसमें हमने चावल डाल दिए हैं और यखनी भी डाल दी है, और इसका जो हमने बैलेंस किया है पानी का, हम इससे बिल्कुल जस्ट ऊपर रखेंगे, क्योंकि ये हमने चावल भिगोए हुए हैं। और इसी स्टेज पे हम नमक भी चेक कर लेंगे। अब हम इसको कवर करके रख देंगे सिम आंच पे। ये इतना बिल्कुल आधा इंच से भी बहुत कम हमने इसमें यखनी है, ये पानी रखा हुआ है। अब इसको हम कवर कर देंगे। इसमें उबाल आ चुका है, अब बिल्कुल ही सिम पे कर देंगे हम इसको, दम होने के लिए रखेंगे। यह हमारी यखनी पुलाव बनके तैयार हो चुकी है, अब हम इसको सर्व करेंगे। यह हमारी यखनी पुलाव बनके तैयार हो चुकी है, जो कि खाने में बहुत ही लजीज है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।